नमस्कार दोस्तों, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। वैसे तो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, लेकिन जनरली दो साइड में हमेशा डिबेट बढ़ जाता है। और आजकल के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जनरली इसको हम कहते हैं या तो राइट या लेफ्ट। एंड देन पीपल लाइक अस हु डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन एज सच, हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसकी बात सही है उसकी बात सही है। बिकॉज जब लॉजिकली लोग बात बताते हैं, समझाते हैं अपनी बात, जब हम डिबेट्स वगैरह सुनते हैं तो दोनों की बातें सही लगती है। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी विल असेस एनी पॉलिटिकल इशू और एनी इशू फॉर दैट मैटर विच इज करंटली डूइंग राउंड्स ऑन सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये वो, और उसको दोनों तरफ से समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग सोचेंगे उसको राइट की तरफ से, देखेंगे उसको लेफ्ट की तरफ से, एंड देन वी विल नॉट कम टू अ कंक्लूजन। आपको मैं छोड़ दूंगा ये सोचने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, आपको लेफ्ट रहना है, राइट रहना है या सेंटर में रहना है। टिपिकली हम देखते हैं पॉलिटिशियंस हम लोगों को टोपी पहनाते हैं, इलेक्शन आएगा तो जुमले फेंक देंगे, कभी हम वो टोपी लेते हैं कभी टोपी छोड़ देते हैं। सो दिस इज द अटेम्प्ट टू गिव इट बैक, वो टोपी वापस उनको देने के लिए। सो वो टोपी हम नहीं पहनेंगे, बल्कि वो टोपी समझाएंगे आपको कि लेफ्ट वाले कौन सी टोपी पहना रहे हैं, राइट वाली कौन सी टोपी पहना रहे हैं और आप कौन सी टोपी पहनना चाहते हैं। सो इन दिस सेक्शन ऑफ टोपी वाला, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो आज हम कोशिश करते हैं थोड़ा समझने की ये बुलेट ट्रेन के ऊपर क्या डिस्कशन हो रहा है। सो ये नया टॉपिक तो नहीं है, अभी काफ़ी टाइम हो गया जब प्रधानमंत्री जी ने बुलेट ट्रेन की अनाउंसमेंट कर दी। सो बुलेट ट्रेन विल बी रनिंग, द प्रपोज्ड बुलेट ट्रेन, द फर्स्ट बुलेट ट्रेन फॉर द कंट्री विल बी रनिंग बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद। तो ये अनाउंसमेंट होकर काफ़ी सारा समय अभी बीत चुका है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले मुंबई में अंधेरी में जो ब्रिज गिरा था रेलवे लाइन के ऊपर, तो काफ़ी सारे सवाल खड़ा करता है क्रेडिबिलिटी के लिए के ऊपर, स्पेशली इंडियन रेलवेज क्या अभी तैयार है और हम हमारा देश क्या अभी तैयार है बुलेट ट्रेन को लेने के लिए। सो दोनों तरफ से काफ़ी जोरों से अपनी अपनी बातें रखी जाती हैं। सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट perspectives do people have from either sides, right? तो आप अगर किसी एक साइड को फॉलो करते हैं तो जनरली आप अनदेखा करते हैं उस दूसरी साइड को, एंड यू पुश थ्रू योर थॉट प्रोसेस विच मे बी राइट, बट देन इट इज ऑल्सो अ गुड थिंग टू अंडरस्टैंड वॉट अदर साइड हैज टू से। सो हियर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ द साइड। सो लेट्स टॉक अबाउट बुलेट ट्रेन्स। ये है राइट टोपी, ओके? तो ये टोपी उस चीज को दर्शाती है जो 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 इस देश में टिपिकली प्रो बीजेपी, राइट? तो वो वाला माइंडसेट है, एंड देन वी विल हैव समथिंग ऑन द अदर साइड। सो बात करते हैं बुलेट ट्रेन के बारे में, बुलेट ट्रेन की तरफदारी जो करते हैं, सो टिपिकली उनका कहना क्या रहता है। सो वेल, बुलेट ट्रेन इज डेफिनेटली अ प्रोग्रेसिव स्टेप, बहुत ही तरक्की की तरफ ले जाने वाला एक रास्ता है भारत के लिए। और क्यों नहीं हो बुलेट ट्रेन, हमें इतने सालों के बाद, वह हमारा रेलवे का जाल भारत भर में जितना किलोमीटर्स है वो तकरीबन दुनिया का सबसे ज़्यादा देशों में से एक हम हैं। हमारे नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग थ्रू इंडियन रेलवेज एंड लोकल्स एंड वो सब मिला के जितने हैं उतने शायद ही किसी और देश में हो। तो अगर इतना रेलवे का हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो क्या इंडिया वो देश नहीं है जहां पे बुलेट ट्रेन होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। दूसरी बात, वो लोग कहते हैं कि बुलेट ट्रेन में इतना खर्चा आएगा उतना खर्चा आएगा, क्या इतना खर्चा हमको अभी करना चाहिए? तो देखिए भाई, ये जो खर्चा है वो हम नहीं कर रहे हैं, अभी हमें दे रही है जापान सरकार, वो भी मात्र 0.1% इंटरेस्ट रेट पे, जिसको हमें चुकाना है काफी सालों में, कुछ 50 साल का कुछ वो पीरियड है। तो इतने लंबे समय तक हम वो पैसा चुका सकते हैं, वो भी इतना इतनी छोटी सी इंटरेस्ट रेट पे। और वो अगर बुलेट ट्रेन नहीं होती तो लोग कहते हैं कि चलो बुलेट ट्रेन पे इतना क्यों खर्चा कर रहे हो, ये पैसा कहीं और डाल दो, कि हमारे इंडियन रेलवे में ऑलरेडी कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन देखो, ये पैसा आ रहा है स्पेसिफिकली बुलेट ट्रेन के लिए, ठीक है? अगर हम बुलेट ट्रेन नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा हमको जापान सरकार फिर भी देगी और बोलेगी चलो आप आपके बाकी के कामों में डाल दो। तो ये है बुलेट ट्रेन के लिए ही पैसा, तो वहां पे अगर जा रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस के लोगों को आपको ये हमेशा आदत लग गई है कि मोदी जी कुछ भी करेंगे उसको आप हमेशा क्रिटिसाइज ही करोगे, विच इज नॉट अ गुड साइन।
और इतना 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 ऑलरेडी हमारे पास परेशानियां हैं, रेलवे अभी हम कह रहे हैं कि अच्छी नहीं है तो वो सुधारी जाएगी। कोई ये नहीं कह रहा कि हम लोग फोकस रेगुलर मेजर से हटा के सिर्फ मेट्रो या बुलेट ट्रेन में डाल रहे हैं, जहां पे काम करना है वहां पे तो कर ही लेंगे। ये भी एडिशनल काम है जो हमको करना चाहिए इंडिया की इमेज इंटरनेशनली अपग्रेड करने के लिए। दूसरा, आप लोग कहते हो कि ये मुंबई से लेकर ही क्यों चलेगी, अहमदाबाद को ही क्यों जाएगी, भाई मोदी जी हैं वहां पे इसके लिए, गुजरात है एंड देन गुजराती महाराष्ट्र में है इसके लिए आपको मुंबई भी चाहिए। देखो, रीजनल इश्यूज हर सिटी के रहेंगे, दुनिया में या देश में किधर से भी बुलेट ट्रेन शुरू होती वहां के लोगों का कुछ ना कुछ इश्यू तो होता ही। इफ नॉट इन मुंबई वेयर एल्स, वेयर एवर इट वुड हैव बीन, तो आप लोग यही कहते कि वहां पे क्यों, यहाँ पे क्यों। मुंबई एक हमारा इकोनॉमिक कैपिटल है ऑफ दिस कंट्री। अहमदाबाद प्रॉबेबली उसका अगर पायलट देखेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने के लिए कोई ना कोई पायलट होना जरूरी है, राइट? सो इमीडिएटली मुंबई टू दिल्ली तो नहीं हो सकता इतना बड़ा स्ट्रेच, आगे आगे वो भी एक्सटेंड होगा, बट कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी, सो वाई नॉट मुंबई एंड अहमदाबाद। तो ये बातें लोग जनरली समझते नहीं है, सीधा क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं। सो प्रोग्रेसिव माइंड से देखें, ओपन माइंड से देखें, तो दिस इज अ वेलकम मूव, आई सपोर्ट बुलेट ट्रेन। तो ये चेंज हो गई है मेरी टोपी और साथ में चेंज हो गया है मेरा नजरिया। तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि नहीं होनी चाहिए, उनका लॉजिक अभी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कॉस्ट या जो भी लागत है, इन्वेस्टमेंट है, वो कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ रुपीज, इतनी ये अमाउंट है। तो इज इट नॉट नेसेसरी टू फिक्स ऑल दोज प्राइमरी इश्यूज फर्स्ट, नॉट ओनली ट्रेन, मेट्रोज के हालत आप देखो। नागपुर मेट्रो अभी भी शुरू हुआ है, पुणे मेट्रो कब से अटका हुआ है, काफी सारा स्मार्ट सिटीज जो भी आइडेंटिफाई किए थे, में से कई शहरों में मेट्रोज का प्लान है, लेकिन वो कहाँ गई वो स्मार्ट सिटीज, कहाँ हुआ क्या हुआ उस मेट्रो प्लान का, वो सब हवा में उड़ गया। आई थिंक देर आर मेनी अदर अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट इश्यूज विच शुड बी टेकन केयर ऑफ ऑन अ प्रायोरिटी, बुलेट ट्रेन कैन वेट। दूसरी बात यह है कि काफी लोग कहते हैं कि बुलेट ट्रेन के लिए जो भी खर्चा आएगा वो हम नहीं कर रहे। देखो, हम नहीं कर रहे मतलब इंडिया नहीं करेगा अभी के लिए, जापान गवर्नमेंट विल लेंड अस दैट मनी एट द रेट ऑफ 0.1% इंटरेस्ट रेट, वो भी कुछ 50 साल के आसपास, 50 साल के अंदर वो हमको चुकाना है। इवन इफ दैट इज ट्रू, तो वो पैसे हम लेंगे इस्तेमाल करेंगे, बट देना तो है वापस, आज नहीं तो कल, धीरे धीरे वो पैसा चुकाना है, तो उतना खर्चा भारत को करना पड़ेगा। तो अगर खर्चा करना ही है तो क्या हम पूरी तरह से प्लानिंग करके कैन वी नॉट एलोकेट दोज फंड्स टू सम अदर एरियाज विच आर नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इंडियाज डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल अपलिफ्टमेंट पर्सपेक्टिव। 2-3 दिन से मुंबई में भारी बारिश हो रही है, रेलवेज पूरी तरह से जैम है, पूरा पटरी पे पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोग रोड से ट्रेवल कर रहे हैं तो वो भी ट्रैफिक जाम है। आपको पता है 2-3 बारिश होते ही मुंबई में किस तरह से वाटर लॉगिंग हो जाता है। कहा जाता है कि 800 राजधानी ट्रेन चल सकती है हमारी पटरियों पे अगर उतना अमाउंट यहाँ पे लगा देता हूँ। सो आप सोचिए कि हमारे लिए क्या जरूरी है कि इतना खर्चा करने के बाद जो भी ट्रेन चलेंगी, वो जो बुलेट ट्रेन चलेंगी मुंबई टू अहमदाबाद डेली, उसका जो एंटिसिपेटेड फेयर है, जो टिकट की अमाउंट है, वो कहा जा रहा है कि बहुत महंगा वो टिकट होगा, तो आप मैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, तो इसके लिए कोई अमीर लोग जो रिच सुपर रिच पीपल विल ओनली बी एबल टू अफोर्ड द ट्रैवल थ्रू दिस ट्रेन, तो ये किसके लिए बनाया जा रहा है? पैसा अल्टीमेटली जो जापान को देंगे हम लोग, जो इस लोन का रिपेमेंट होगा वो आपके और मेरे टैक्सेस से भी होगा, लेकिन क्या आप और मैं इस ट्रेन से सफर कभी कर पाएंगे, कभी करेंगे? देश के कितने परसेंट लोग मुंबई अहमदाबाद ट्रैवल करते हैं और देश के कितने परसेंट लोग इस कॉस्ट के लिए अपने टैक्स में से पैसा देंगे, इसका एनालिसिस करना जरूरी है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आज तक कई बार भाषणों में इसका प्रयोग किया गया, इसका इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कि इंडिया का ब्रांडिंग होगा, वी विल बी वन ऑफ दी फ्यू कंट्रीज हु हैव बुलेट ट्रेन्स, ये वो। तो ये सारे बातें सुन के सबसे ज्यादा पिघलने वाले लोग कौन हैं? वो है आप और हम, राइट? जो गरीब लोग हैं उनको ये बड़ा चकाचौंध बहुत अट्रैक्टिव लगता है, इंडिया शाइनिंग लगता है, एंड ऑल दीज पीपल फॉल फॉर दीज कमिटमेंट्स एंड प्रोमिस एंड ऑल दैट।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आप और मैं विल दे बी ट्रैवलिंग थ्रू बुलेट ट्रेन? आई डोंट थिंक सो। डेट इतना सारा लोन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है, गुजरात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये खर्चा कौन देगा, राइट? और ये जो बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, हमको जापान सरकार विल गिव अस द फंडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, लेकिन इसका रिपेमेंट जो है उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल ऑल्सो बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इक्वली टू रिपे द पर्टिकुलर लोन। तो यह पैसा कहाँ से आएगा? ऑलरेडी आपने अनाउंस कर दिया है कि मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा स्टैचू बनाएंगे, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे किसी को पता नहीं, उसके ऊपर ये और अनाउंसमेंट लेके आए, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा अभी तक कुछ आइडिया नहीं है। हमारा टाइम जो टैक्स भरते हैं उसमें से ये सारा पैसा वहाँ पे डाइवर्ट किया जाएगा, बजाय इसके कि और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हमारे देश में हैं जो हमसे हमको डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, वी एक्सपेक्ट कि उन चीज़ों पर पैसा खर्चा हो, वो यूज़ करेंगे कोई अमीर लोग, हम पैसा दे के बुलेट ट्रेन बनवाएंगे, राइट? तो बीजेपी उसका इस्तेमाल करके प्रचार में उसको यूज करेगी, अपने नंबर्स बढ़वाएगी, एंड देन यू एंड मी विल बी रीपेइंग द लोन फॉर नेक्स्ट 50 इयर्स इन द फॉर्म ऑफ आवर टैक्सेस। तो अभी आपको सोचना है कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। भाई भाई भाई, गर्मा गर्मी की डिबेट खत्म हो चुकी है और अब टोपी भी सीधी हो गई है। सो आपने सुन लिया होगा राइट टोपी वाले का पर्सपेक्टिव, लेफ्ट टोपी वाले का पर्सपेक्टिव, और अब जब टोपी सीधी हो जाती है तब भाई कुछ समझ में नहीं आता। अब दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स ठीक ठाक लगते हैं, देर माइट बी सर्टेन लॉजिकल पॉइंट्स ऑन ईदर साइड्स, एंड देन पीपल टॉक अबाउट इट बीइंग सच अ प्रोग्रेसिव मेजर, ऑन द अदर साइड वेल पीपल टॉक अबाउट अदर इश्यूज विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर रेगुलर रेलवे कम्यूटर। ये गरीबों के लिए नहीं है, ये बहुत खर्चे वाला है, लेकिन खर्चा हम कहाँ कर रहे हैं, जापान दे रहा है, जापान भी दे रहा है तो हमको वापस तो करना पड़ेगा, एंड ऑल दैट। सो नाउ वी हैव पुट फोर्थ बोथ द पर्सपेक्टिव इन फ्रंट ऑफ यू। आपकी टोपी सीधी करके सोचिए कि आप कौन सी टोपी पहनना पसंद करेंगे, राइट वाली, लेफ्ट वाली, सेंटर वाली, या नो टोपी एट ऑल। वेल, ये भी एक पर्सपेक्टिव है, पीपल लाइक टू बी अपोलिटिकल, नथिंग बैड इन दैट। आप सो लेफ्ट, राइट, सेंटर और नो टोपी, इट्स ऑल अप टू यू। होपफुली गोइंग फॉरवर्ड वी विल हैव सम मोर डिटेल्ड डिस्कशंस ऑन सम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल। सो तब तक आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई और टॉपिक होगा जो उसके बारे में आप जानना चाहते हो, एनी अदर सब्जेक्ट दैट इज ट्रबलिंग यू टू डिसाइड ऑन योर माइंड ऑन कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, मैं किस तरफ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो मे बी दोज विल बी द टॉपिक विल ट्राई टू पिक अप एंड ट्राई टू क्लियर अप द मेस एंड वेरी वेरी ऑब्जेक्टिवली बात करेंगे कि भाई क्या चल रहा है दोनों तरफ। सो इस वक्त तिरछी टोपी वाले का आपको गुड बाय, एंड विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।